हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। चलिए आज देखते हैं हम लोग प्लॉट साइज 60 फीट बाय 25 फीट का प्लान, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फेसिंग नॉर्थ है, दो यूनिट में बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट भूखंड की लंबाई है 60 फीट, जबकि दक्षिण से उत्तर 25 फीट है। पूरब और पश्चिम में 6 फीट छोड़ दिया गया है, जबकि आगे में 4 फीट 10 इंच छोड़कर कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पर सभी स्टिपनर से स्टिपनर की दूरी दी गई है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 फीट 2 इंच, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट 4 इंच, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट 4 इंच, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 फीट 2 इंच, तथा इस जगह से लेकर करके बाउंड्री वॉल का ये आउटर एज तक 6 फीट है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस जगह से लेकर के यहाँ तक 6 फीट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, 3 गेट दिया गया है, एक यहाँ और एक ये बीच में। ये दोनों इस जगह पर जो स्पेस बन रहा है बाउंड्री वॉल के ये इनर एज से यहाँ तक की दूरी है आ रहा है 5 फीट 7 इंची दोनों साइड में। तो इसमें आप आसानी से टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी भी साइड में सुविधा अनुसार एज पर सिचुएशन ये 6 फीट को घटाकर 3 फीट कर सकते हैं, और ये 3 फीट जो जगह आएगा वो दूसरे साइड में जोड़ दें तो फोर व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस आसानी से बन जाएगा। ऐसे बेहतर होगा टू व्हीलर पार्किंग को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। ये प्लान पर आप कंस्ट्रक्शन G+2 तक कर सकते हैं। यदि G+2 से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो उसमें लिफ्ट का प्रावधान करना होगा, तब इस प्लान में थोड़ा बदलाव करना आवश्यक हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए अभी G+2 के हिसाब से ये प्लान तैयार है, तो उसी पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। दो यूनिट में बटा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक यूनिट और दूसरा यूनिट इस साइड, और ये खास कर करके रेंट पर्पस से आप उपयोग में ला सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल से प्लिंथ का हाइट रखा हुआ है 2 फीट 6 इंची। जी हाँ, और सामने में जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्टेयर केस प्रोवाइड किया गया है, जो कि 2 फ्लाइट में बटा हुआ है, 3-3 फीट का दोनों फ्लाइट है, और लैंडिंग का साइज कुछ इस प्रकार आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 3 फीट 6 इंची है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुपर स्ट्रक्चर में सभी इंटरनल वॉल और इवन ये दोनों भी 5 इंची में रखना है, शेष सभी दीवार 10 इंची में होगा। बाउंड्री वॉल का ये साइड वाला छोड़ कर करके ये बाउंड्री वॉल भी 5 इंची में ही है सुपर स्ट्रक्चर में। जी हाँ, और उसके बाद में ये इस लैंडिंग में इस साइड से एक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है, जिसका साइज रखा हुआ है विड्थ में 4 फीट, और इसके पीछे एक कट दिया गया है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट है और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 2 फीट 9 इंच है। जी हाँ, और इसमें ये दोनों साइड से इधर और इधर देख ही रहे हैं टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है। इस टॉयलेट में V1 देना है। जी हाँ, V1 का साइज होगा 2 फीट 9 इंच बाय 1 फीट 3 इंच, और टॉयलेट का साइज है यहाँ से लेकर के इस जगह तक 6 फीट, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 8 इंची है।
और उसके बाद में ये इस साइड में किचन है, किचन का साइज है इस जगह से लेकर के इस जगह तक 8 फीट तथा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 8 इंची। इस दोनों टॉयलेट और किचन के बीच में एक तीसरा कटारा है जिसका साइज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 3 फीट 9 इंच। इस टॉयलेट में इस साइड में एक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है जिसका साइज रखना है 2 फीट बाय 1 फीट का, जबकि इस साइड में किचन में एक विंडो प्रोवाइड करना है जिसका साइज होगा 2 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। और इस जगह पर ग्राउंड फ्लोर में जहाँ आप ये W1 देख रहे हैं उस जगह पर D1 प्रोवाइड करें 3 फीट बाय 7 फीट का। और इस कट वाले एरिया में आप हैंडपम्प लगा सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में यहाँ एज इट इज विंडो देना है जिसका साइज होगा 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। किचन में यहाँ देख रहे हैं डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है विंडो, ये एक्चुअली W3 होगा जिसका साइज रखना है 6 फीट बाय 2 फीट, यहाँ पर सील हाइट होगा 5 फीट। ये आगे वाले ये रूम जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 फीट 4 इंची आ रहा है, जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह तक 11 फीट है। जी हाँ, और उसके बाद में इसमें 3 खिड़कियाँ दी हुई है, तीनों खिड़की का साइज रखा हुआ है 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। इस रूम में आप एक साइड में बेड प्रोवाइड करें डबल बेड, और इसके अपोजिट में आप यहाँ 3 सीटर सोफा रख सकते हैं और एक साइड में डाइनिंग हॉल। सिमिलरली इस साइड का भी वही मिरर इमेज है, टॉयलेट किचन इधर बेड और इस साइड में सोफा, यहाँ पर डाइनिंग टेबल 4 सीटर और साइज भी वही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 फीट 4 इंची और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 11 फीट, और इससे इधर ये 5 फीट का ये देख रहे हैं ये स्पेस यही। और इसके दोनों साइड में इधर और इधर इस साइड में टॉयलेट और इस साइड में किचन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर भी W3 वही है 6 फीट बाय 2 फीट का, जबकि यहाँ W2 है 2 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का। और यहाँ पर नीचे में डोर प्रोवाइड करना है D1 3 फीट बाय 7 फीट का, जबकि फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स इसमें 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो आएगा। और इस साइड में V2 का साइज वही है 2 फीट बाय 1 फीट का। जी हाँ, और इस साइड में तो आप देख ही रहे हैं ये 2 फीट 9 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। तो फ्रेंड, आशा है प्लान पसंद आएगा, खास कर करके रेंट पर्पज के लिए उपयुक्त होगा। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्लान के साथ अगले दिन। गुड नाइट, थैंक यू।